बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान उर्फ के सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। आए दिन अपने विचार खुलकर प्लेटफॉर्म पर रखने वाले के ने ट्विटर पर एक और पोस्ट किया है। अपने ट्वीट में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कमाल आर खान कहते हैं कि मोदी जी फिर देश को गुमराह कर रहे हैं। कोरोना को लेकर बोलते हुए कमाल आर खान ने कहा कि पीएम मोदी कोरोना की दूसरी लहर के वक्त जो कर रहे थे दोबारा वही कर रहे हैं। केआरके ने अपने पोस्ट में कहा, जैसे कोरोना की दूसरी वेव के दौरान किया गया था वैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी फिर से देश को गुमराह कर रहे हैं। अब मोदी जी कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी अगर लोग विशेष ध्यान रखेंगे तो। अरे यूके नहीं रोक पाया तीसरी वेव तो मोदी जी कैसे रोकेंगे। कमाल आर खान के पोस्ट को देखकर ढेरों लोगों के रिएक्शन सामने आने लगे। भावेश कुमार नाम के एक यूजर ने कहा, इतनी वैक्सीनेशन तो यूएस ने भी नहीं की फिर भी भारत ने ये कर दिखाया ना, यूके क्या है फिर। पंकज ठाकुर नाम के यूजर बोले, जीरो और इन्फिनिटी भारत की खोज है, मतलब जरूरी नहीं कि जो इंग्लैंड न कर पाए वो इंडिया भी न कर पाए। क्रिकेट का वर्ल्ड कप इंडिया ने पहले दो बार जीत लिया था, इंग्लैंड अभी अभी जीता है। अहमद नाम के यूजर ने इस यूजर को जवाब देते हुए कहा, भाई मेरे वो पॉपुलेशन और इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तुम क्रिकेट कहाँ से ले आए। एक ने कहा, मुझे लगता है कि कोरोना की थर्ड वेव अगस्त में आएगी। सत्यम नाम के शख्स ने कहा, हर एक वेव प्लान का हिस्सा है, गवर्नमेंट लोगों को बेवकूफ बना रही है। अगर ये नेचुरल होता तो इसकी कोई तारीख नहीं होती, टाइम नहीं होता, हवा में ये हर सेकंड में फैल रहा होता, जब जब हम सांस लेते तब तब हमारे अंदर जाता, लेकिन जनता समझ ही नहीं रही है। पॉपुलेशन को कम करने के लिए दुनिया भर में ये गेम खेला जा रहा है।